हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास टेंथ विषय हिंदी का। दोस्तों सोल्यूशन लेके आ चुके हैं, तो आज मैं आपको पूरा फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं क्लास टेंथ हिंदी का। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमात्मा शब्द का संधिविच्छेद सही विकल्प चुनकर बताइए। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम प्लस आत्मा। ध्यान दीजिएगा, ये ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों जो हमारी आंख है, इसका शब्द का जो पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा नयन, चक्षु। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ख नंबर। याद रखेंगे आप लोग, ख नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उन्नति शब्द का विलोम शब्द सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों जो उन्नति है, उन्नति मतलब किसी भी चीज में विकास करना दोस्तों, ठीक है। तो विकास करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका जब उसको विकास को रोक देंगे, घटाने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर विलोम शब्द में अवनति हो जाएगा। घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा विलोम शब्द। माता शब्द की भाववाचक संज्ञा सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों जो माता शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मातृत्व होती है दोस्तों, क्योंकि माता के पास क्या होती है, ममता या मातृत्व होता है। क्या होता है, ममता या मातृत्व होता है, ठीक है दोस्तों। भाववाचक का मतलब होता है उसमें भाव क्या है दोस्तों, तो भाव क्या है माता में, वह एक ममता का भाव होता है, ठीक है। जिसका पार ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों जिसका पार ना हो, मतलब ऐसी वस्तु हो जिसका हम पार ना पा सके, उसे बोलते हैं अपार, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, अपार हो जाएगा। सिक्स नंबर दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे स्कूल जाना है। दोस्तों मतलब मुझे स्कूल जाना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी है मैं स्कूल जाना, ये गलत है। मेरे स्कूल को जाना, ये भी गलत है। मेरे द्वारा स्कूल जाना है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बकायदा इस पूरे के पूरे पेपर को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको फुल सोल्यूशन हिंदी का बताने वाला हूं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो सके दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान के। देश के लिए भक्ति पद का समास बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, या केवल आप यहाँ पर तत्पुरुष समास लिख देंगे तब भी चलेगा दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर देश के लिए भक्ति पद का क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला प्रश्न है तीर शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखिए दोस्तों। तो तीर का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बाण हो जाएगा, फिर किनारा हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर तट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके अनेकार्थी शब्द हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है धर्म शब्द का विशेषण बताइए दोस्तों। जो धर्म है, विशेषण का मतलब होता है उसमें विशेषता बतानी है। तो धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर ऑलरेडी ज्वाइन कर लेंगे, तो सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आलोचना करने वाले का अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द बताइए दोस्तों। जो आलोचना करने वाले होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि आलोचना करने वाले का अनेक शब्दों में एक शब्द बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, आलोचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलोचक हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सबका सब आप रट सकते हैं, बहुत ही मैं सरल भाषा में बताने वाला हूं आज आपको पूरा का पूरा। तो वीडियो के अंतिम तक जरूर देखेगा, साथ ही साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी प्रॉफिट हो जाए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गुण शब्द का विलोम बताए दोस्तों। जो गुण शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है, तो मैं आपको बता दूं, गुण का हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण का दोष हो जाएगा, या फिर अवगुण हो जाएगा। याद रखिएगा, गुण का दोष हो जाएगा या फिर अवगुण हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए दोस्तों। हाँ अथवा नहीं में उत्तर आपको देना है। बताया जा रहा है कि मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा मित्रता है, हाँ अथवा नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मित्र है दोस्तों, मित्र की जो भाववाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, इसकी मित्रता होती है। जब मित्र होते हैं, उनके दो बीच में क्या होती है दोस्तों, मित्रता होती है, ठीक है। लड़के, लड़क ने पत्र लिखा, शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, लड़के ने पत्र लिखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे में पहला भी हाँ होगा, दूसरा भी हाँ होगा दोस्तों। दर्पण शब्द का पर्यायवाची शब्द चेहरा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, नहीं, ठीक है दोस्तों।
यानी तीसरा जो 14वां नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। देन अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिलान कीजिए, मिलान कीजिए पूछा जा रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन। भारत शब्द के निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द के साथ से रेखा खींचकर मिलान कीजिए दोस्तों। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत का विशेषण क्या होता है, तो भारत तो हम लोग क्या है, भारतीय है, ठीक है। तो भारत देश में कौन रहता है, तो भारतीय रहते, इसकी विशेषता है, ठीक है। तो भारतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर कहा गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित में से सही शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए दोस्तों। जो ऊपर कहा गया का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर कहा गया का मतलब होता है उपर्युक्त, आप लोगों ने पढ़ा होगा उपर्युक्त होता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन गलत है, बाकी तीसरा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा सही, उपर्युक्त, ठीक है। जेब कर खर्च समस्त पद के निम्नलिखित में से सही समास विग्रह के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए दोस्तों। जो जेब खर्च है, तो जेब खर्च है किस लिए दिया जाता है, तो दोस्तों जेब के लिए खर्च जो होता है, 1वां नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जेब खर्च का समास क्या हो जाएगा दोस्तों, जेब के लिए खर्च, इसका जो समास होगा दोस्तों ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास भी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्य और अन्य दोस्तों और अन्य ध्यान दीजिएगा, अन्य और अन्य समरूपी भिन्नार्थक शब्द के सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान करना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अन्य मतलब अनाज होता है और अन्य मतलब क्या होता है दोस्तों, दूसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ग नंबर देख सकते हैं, अन्य मतलब होता है अनाज जिसको हम लोग खाते हैं और अन्य मतलब होता है दूसरा या फिर अगला, ठीक है, दूसरा या फिर अगला। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19वां नंबर, अर्थ शब्द की अनेकार्थक शब्द लिखिए जिसमें आपको विकल्प सही विकल्प के साथ चुन करके रेखा खींचकर मिलाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों अर्थ शब्द की अनेकार्थी शब्दों के साथ आपको मिलान करना है दोस्तों। तो अर्थ का जो अनेकार्थी अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रयोजन करना, धन की इच्छा करना, मतलब करना, यानी इस तरह के जो अर्थ है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, ध्यान दीजिएगा, प्रयोजन, धन, इच्छा या मतलब, ठीक है, इस तरह से ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कुल, कुल में कुल का अर्थ किनारा और कुल का अर्थ वंश होता है, कथन सही है गलत दोस्तों, इस कुल का अर्थ होता है वंश, ध्यान दीजिएगा, कुल का अर्थ होता है वंश और इस कुल का अर्थ होता है दोस्तों किनारा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत है, ठीक है, इसमें आप गलत का निशान लगा लेंगे, ठीक है। 20 नंबर में आपको गलत का निशान भर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अति प्लस आचार की संधि क्या होगी दोस्तों, अत्याचार होती, ध्यान दीजिएगा, जो अति प्लस आचार होता है इसका राइट आंसर हो जाता है क्या दोस्तों, अत्याचार, ठीक है, इसलिए लिखा है अत्याचार, ये क्या है, गलत है, तो इसको भी आप कर लेंगे, गलत कर लेंगे, 21 नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। राजकुमारी समस्त पद का समास विग्रह, राजकुमार की कुमारी होगा तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, राज की कुमारी होता है, इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, राज की कुमारी, तत्पुरुष समास हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत है, ठीक है। 22 नंबर भी गलत है, यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, 20 नंबर भी गलत रहेगा, 21 भी गलत है और 22 भी गलत है, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं दोस्तों। वीडियो के अंतिम तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया जो दोस्तों पद्यांश पढ़ सकते हैं, हसमुख प्रसून सिखलाते पलभर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं दोस्तों, तो फूल खिल करके हमें सदा मुस्कुराना सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, सदा मुस्कुराना सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, गाता खग कविता के कवि का नाम बताइए दोस्तों, तो सुमित्रा नंदन पंत, कौन है, सुमित्रा नंदन पंत ने गाता खग की कविता लिखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, फूल की तरह मानव कैसे संचार के वातावरण को सुखद बना सकता है दोस्तों, जो फूल है
फूल की तरह मानव कैसे संसार के वातावरण को सुखद बना सकता है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सद्गुणों से दोस्तों, अपने सद्गुणों से संसार को हम अच्छा बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला आंसर हो जाएगा प्रश्न दोस्तों, सौरभ का क्या अर्थ है दोस्तों, जो सौरभ है, सौरभ का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, सुगंध से हो जाएगा। क्या दोस्तों, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। क्या होता है सौरभ का अर्थ, सुगंध होता है। किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है दोस्तों, तो आंगन से, क्योंकि आंगन एक ऐसा जगह है जो हमेशा अगर धूप करके रखती तब भी उसी तरह दिखता है, छांव रहती तब भी उसी तरह दिखता है, और दुख आता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी गिरता तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो आंगन है उसी तरह हमें भी खुश रहने का संदेश मिलता है दोस्तों की, क्योंकि वर्षा भी हो रही, धूप भी हो रही, गर्मी भी पड़ रही, तब भी आंगन उसी समान बना रहता है। इसी तरह से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी धूप हो छांव हो किसी भी कंडीशन, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसून से क्या अभिप्राय दोस्तों, जो प्रसून है, प्रसून से क्या अभिप्राय आपका, इससे हो जाएगा दोस्तों फूल से, ब नंबर आप देख सकते हैं। प्रसून का क्या हो जाएगा दोस्तों, ब नंबर देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं पांच के उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, गद्यांश में जो भी यहाँ पर प्रश्न बताए गए दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गद्यांशों के बाकी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट पार्ट में इन सारों को मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको यह सारे के सारे जो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों सॉल्यूशन के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।